आज हम इस बेकार से दिखने वाले एरिया को बनाएंगे कुछ इस तरह कि आप भी देखते ही रह जाओगे, जैसा कि ये। सो, इससे पहले कि गेम स्टार्ट करूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है एंड आप लोगों का सपोर्ट हो तो मज़ा भी आता है। सो, गेम हमारे पास सिंपल है। गेम में हमारे पास मिनी गेम्स होंगी जिन्हें खेल के हमें स्टार मिलेंगे। उन स्टार से हम जो अपना पार्क है उसको रेनोवेट करेंगे और नई चीज़ें जो उसमें ऐड करनी है वह नई चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि अभी हमें स्टार मिल चुका है एंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। तो नीचे अगर हम लेफ़्ट में देखेंगे तो ये रहा, हमारे पास एक स्टार लगेगा हमें रॉबी बुलाने के लिए एंड रॉबी आएगा। सो, रॉबी हमारा काम करेगा एंड इसको करते हैं हम स्किप, क्योंकि हमारे पास स्किप का ऑप्शन भी है। सो, यहाँ पर हमारे पास रॉबी वुड ऐड हो चुका है हमारी डायरी में एंड अभी हम इससे अपना जो ट्री हाउस है उसको डिसमेंटल करेंगे ताकि इसकी जगह पे हम एक नया ट्री हाउस फिर से बना सके। इसी के साथ साथ हमारे पास कई सारे टास्क हैं एंड हर जगह पे हम अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये मेल बॉक्स लगाना है, यहाँ पे अभी हमारे पास तीन ऑप्शन है। सो, हर प्लेयर का जो बेस है वो डिफरेंट दिखेगा। बात करें साउंड इफ़ेक्ट और म्यूज़िक की तो दोनों ही ज़बरदस्त हैं एंड ये रहा छोटा सा क्लिप। गेम में एड्स बिल्कुल भी नहीं है। सो, गेम खेलने का एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। गार्डन स्केप्स में आप सिंगल प्लेयर गेम खेलेंगे बट फेसबुक की हेल्प से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बात करें नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स की तो गेम जो है वो मेनली आप ऑफलाइन खेल सकते हैं बट जैसे ही आप किसी नए एरिया में एक्सपेंड करेंगे सो, गेम जो है वो एरिया को उस टाइम डाउनलोड करेगा और आपको 3 या 4 MB डाटा ही लगेगा बट स्टिल आपको उस टाइम गेम खेलने के लिए नेटवर्क चाहिए होगा।